नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। हाथरस गैंगरेप मामले में तेज होती राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में न्याय करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका हाथरस कूच करना सिर्फ अपनी राजनीति करना है। बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। स्मृति ईरानी ने वाराणसी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी राजनीति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रनीति में सफल नरेंद्र मोदी रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वतंत्र देश ने जनता कांग्रेस के हथकंडों को भली भांति समझा है। कोई भी नेता किसी भी विषय में राजनीति करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकती, लेकिन जनता समझती है कि हाथरस में कूच उनकी अपनी राजनीति के लिए है, ना कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। हाथरस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा, अपनी संवैधानिक मर्यादा के चलते मैं किसी प्रदेश के मामले में दखल नहीं देती, लेकिन हाँ, मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है। मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया है, कल SP के खिलाफ कार्रवाई हुई है, SIT की रिपोर्ट आने दीजिए। उसके बाद जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया या जिन लोगों ने पीड़िता को न्याय न मिल पाए इसकी साजिश की है, उनके खिलाफ योगी सख्त कार्रवाई करेंगे। वही अशोक गहलोत के बयान में स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका ये कहना कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, ये बयान निंदनीय है। राहुल गांधी को गहलोत को भी कॉल करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।